20 महत्वपूर्ण किचन टिप्स, ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। नंबर एक, अगर आपको दूध फटने की चिंता हो तो दूध में चुटकी भर सोडा पाउडर या एक इलायची डालकर दूध को गर्म कर दें। ऐसा करने से दूध नहीं फटेगा। नंबर दो, दाल बनाते समय दाल में थोड़ा तेल डालने से दाल बढ़िया तरह से पकती है। नंबर तीन, बादाम के छिलके को उतारने के लिए बादाम को थोड़ी देर पानी में उबालें, छिलके आसानी से उतर जाएंगे। नंबर चार, आटा गूंथने के बाद आटे पर सरसों का तेल या घी लगाने पर आटा ज़्यादा देर तक नरम रहेगा और पपड़ी नहीं जमेगी। नंबर पाँच, पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा सा नमक मिला दें। ऐसा करने से कीड़े मकोड़े नहीं आते और घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। नंबर छः, दाल या सब्जी में हींग को तड़के में ना डालें, क्योंकि तड़के के साथ डालने पर हींग जल जाती है। हींग को ऊपर से डालें, इससे स्वाद और पाचन शक्ति दोनों बढ़ती है। नंबर सात, दही बड़ा बनाते समय पीसी दाल में थोड़ी सूजी मिलाने से बड़े नरम बनते हैं। नंबर आठ, आम का अचार बनाते समय आम की फांकों में हल्दी और नमक लगाकर रखने के बाद इसमें 3-4 चम्मच चीनी पीसकर डालने से अचार की रंगत खराब नहीं होती और अचार में मौजूद पानी भी सूख जाता है। नंबर नौ, आलू की टिकिया बनाते समय उसमें थोड़ा सा अरारोट मिला ले, टिकिया कुरकुरी बनेगी। नंबर दस, चावल को कीड़ों से बचाने के लिए चावल में लहसुन, सूखी लाल मिर्च और लौंग रखें। नंबर ग्यारह, अगर धनिया मुरझा गया है तो उसके जड़ को पानी में डुबो कर रखने से धनिया फिर से ताज़ा हो जाता है। नंबर बारह, अगर कांच की कोई वस्तु टूट गया हो तो उसके बारीक टुकड़ों को उठाने के लिए गीली रुई का इस्तेमाल करें, इससे कांच चुभने का डर नहीं रहेगा। नंबर तेरह, पालक बनाते समय पालक में 1 चम्मच चीनी डालने से पालक का हरा रंग बरकरार रहता है। नंबर चौदह, चावल बनाते समय पानी में थोड़ा घी या तेल डालने से चावल आपस में नहीं चिपकते। नंबर पंद्रह, सब्जियों को काटने से पहले धोने पर उनकी पौष्टिकता बरकरार रहती है। नंबर सोलह, चने और मटर की दाल को पानी में 3-4 घंटे भिंगो कर रखने से दाल जल्दी गलती है। नंबर सत्रह, प्याज को काटने से पहले थोड़ी देर पानी में रख दें, ऐसा करने से प्याज काटते समय आँखों में नहीं लगेगा। नंबर अठारह, पराठा बनाते समय आटे में उबला आलू कद्दू कस करके मिलाने से पराठा का टेस्ट बढ़ जाता है। नंबर उन्नीस, पूरी बनाते समय आटे में थोड़ा सा सूजी या चावल का आटा मिलाने से पूड़ियाँ खस्ता बनती है। नंबर बीस, पकौड़े बनाते समय बेसन में 1 चम्मच अरारोट और थोड़ा सा गर्म तेल मिलाने से पकौड़े टेस्टी और कुरकुरे बनते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।